अतिकुर रहमान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, ब्रेक मुझे बहुत जल्दी जल्दी लेना है आज। लेकिन मुझे बताइए सर कि रोहिंग्या जैसी समस्या, बांग्लादेशी घुसपैठी जैसी समस्या देश के लिए खतरनाक है, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, लेकिन जैसे ही उस पर कार्रवाई होने की बात होती है, बहुत सारे लोग अपना झंडा बुलंद कर देते हैं कि हमें खत्म करने के लिए, हमारी विचारधारा खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं देखिए माधुरी जी, ये तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। एनआरसी का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से डिस्कस होता है, वो हम लोग यहाँ पर पूरे पूरा अलग रंग रूप दे देते हैं उसको। बाबा रामदेव ने जो कहा, मुझसे कहा गया था कि बाबा रामदेव का ये है, मैं उसकी तैयारी में आया था। ठीक है, एनआरसी के ऊपर बात हो रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे कर दिया है, खुलासा कर दिया है कि किसी को उठा के फेंका नहीं जा सकता है। ह्यूमन राइट्स का एंगल इसको देना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी कोई भी अपनी मनगढ़ंत कोई भी भाषा बोल ले, लेकिन आपको ये सर अभी भी लगता है ह्यूमन राइट्स का मसला है? ये देखिए माधुरी जी, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि इनको वर्क परमिट देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के ही बाशिंदे बन के रहेंगे, वोटिंग राइट्स ले लीजिए आप इनसे। वाह, लेकिन इनको वर्क परमिट देके यही रखना पड़ेगा। ये लायबिलिटी नहीं है नेशन के ऊपर। नहीं नहीं, आप उनमें विचार व्यक्त करें एक नेशनल टीवी चैनल पर, या धमकी दे रहे हैं देश को, ये बताइए जरा। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक जो है कौन बोल रहा है, आदेश जारी करने के अधिकारी बोल रहा है? नहीं बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला क्या जो फेवरेट है वो जवान को ठीक करिए। अरे बोल रहे, आपको भाषा की मर्यादा कम से कम ये पता होना चाहिए। किसी और चैनल पर नहीं, न्यूज़ पर बैठे हो अभी आप। सुप्रीम कोर्ट की भाषा सुन लीजिए, हाँ सुप्रीम कोर्ट की भाषा सुन लीजिए। कमिश्नर तक को उन्होंने जो है उनके होश ठिकाने लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट की बात, एनआरसी के कमिश्नर को पता है, आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं के नजर आते हैं 40 लाख के, बाकी लोगों के हिंदुस्तानियों का मानवाधिकार नजर नहीं आ रहा है आपको? वो 1.25 करोड़ की जनसंख्या के मानवाधिकार नहीं है कोई भी, कोई इंडियन या रोहिंग्या के अलग अलग नहीं होते। अच्छा लोग आप लोग, अच्छा रोहिंग्या के अधिकार मानवता के होते हैं। इसका मतलब हमारे सैनिक जो बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप उन आतंकवादियों का भी कोई मानवाधिकार होते हैं, पाकिस्तान के जवानों का भी कोई मानवाधिकार होते हैं? उनको ऊपर जो गोली चला भले हमारे ऊपर, हमें गोली नहीं चलाना, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि रहमान। तो अगले पिछले आधे घंटे में क्या कुछ डिबेट हुआ हमने आपको दिखाया। इस वक्त तमाम मेहमान लगातार बने हुए। सुनील चोपड़ा साहब, मैं आपके पास आऊंगी सर, क्योंकि आप बार बार कुछ बात बोल रहे थे और वो बीच में ही रह गई। भारत में घुसपैठियों की संख्या करीब 2 करोड़ है, जो एक पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। सर आप घुसपैठ को, जनसंख्या बढ़ने को तो एक मुश्किल मानते होंगे, तो फिर ऐसी समस्या के लिए, ऐसी समस्या के लिए, सर एक मिनट सवाल सुन लीजिए, ऐसी समस्या के लिए उस पर साथ आने में प्रॉब्लम क्या है? अगर सरकार कह रही है कि एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष साथ आ जाए, नहीं आएंगे, वहां पर आप अपना हिंदू मुसलमान घुसा देंगे, वहां पर वोट बैंक घुसा देंगे, सर घुसपैठ से वोट बैंक मिलता है क्या? क्लियर कर दीजिए। मिलता है इनको, तो वही मिल रहा है, इनका गुजारा ही उसी से चल रहा है। सुनील जी, सुप्रीम कोर्ट में वैद्यनाथन और हजेला दोनों जवाब नहीं दे पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 सालों में, हमारे पास पिछले 20 सालों में कम से कम नहीं तो 5 वर्डिक्ट दिए हैं, और कितनी बार डांटा है स्थानीय सरकारों को और कहा है कभी घुसपैठियों को बाहर करो, घुसपैठियों को बाहर करो, लेकिन आज तक आप जैसे लोग जो है उनको मेहमान बना करके उनको खिलाते पिलाते रहे, उनको मुस्टंडा बनाते रहे, देश को ऊपर हमला करवाते रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है ना आत्मघाती हमले करते रहे। और ये बताइए आपका वोट बैंक का एक लालच जो है ये पूरे देश को तबाह कर रहा है। हार के आए हैं, ये जो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी है उसी के कारण देश आज जो नक्सलवाद, माओवाद और ये आतंकवाद से जूझ रहा है। ये आप झूठ क्यों बोलते हैं? सर हाजेला जी क्या नहीं कह पाए? आपको जुमलेबाजी बहुत आती है, आप जुमलेबाज दल के आदमी हैं। जुमलेबाजी छोड़ दो, ये वर्ड कहां से पकड़ लिया? ये जो ये जिहादियों के लिए ठीक है, आप भी इसी कम्युनिटी में, मानता हूं आपको, लेकिन मुझे बताइए कि हकीकत में आ जाओ ना जरा, कि आप जब आपको ये नहीं पता कि शरणार्थी कौन होते हैं, घुसपैठिए कौन होते हैं और आतंकवादी कौन होते हैं, हकीकत बताती है कि आपको कुछ नहीं मालूम है। ये जी जुलाई की हिंदुस्तान के दर्शक भलीभांति जानते हैं कि आप जैसे लोगों की और आपके पास कुछ नहीं है, देश के खिलाफ करना चाहते हैं कह सका ना हजेला, उच्च न्यायालय ने
और अनेक और ईशानी न्यायालय ने आप देश का क्या कर रहे हैं और आतंकवादी आप तो 2019 में दिखेंगे नहीं घुसपैठ ये देश फिर अपने रास्ते पे चला जाएगा। वो नेक्सस कई बार उजागर हुआ है। आप तो 2019 के बाद दिखेंगे नहीं। जांच की है तीन तलाक में आपका क्या हुआ? हमारी अपनी जान दे चुके हैं इस चक्कर में। तीन तलाक में क्या हुआ? लोगों ने उनको पना दिया। एक मिनट सर, तीन तलाक पे क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए। तमिलनाडु में क्या हुआ? कर्नाटका में क्या हुआ? क्या हुआ? आप जैसे लोग को मारा ना, देश का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? क्या हुआ कश्मीर घाटी में? क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट में? क्या हुआ? क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? अरे सुनिए, आज आपका गया था ना, आखिरकार कितने हिंदुओं का कत्लेआम सामूहिक नरसंहार किया गया? क्या गया था? आपको पता है कितने हिंदुओं के बच्चों को जलाया गया? आपकी राइट के मंदिरों को तबाह किया गया? देखा आपने क्या किया गुजरात को बंसल लगाया गया? बंसल जी आज भी सूरत में औरतें मिलती हैं 35,000 रुपए के लिए। सर इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज Listen to me, आज भी Listen to me, sir. Listen to me, sir. मेरी पहले मेरी बात सुनिए सर। आप क्या बात कर रहे हो? सर एक बार क्लियर कीजिए। शर्म आनी चाहिए। साथ आने में प्रॉब्लम क्या है? होता है। आप मानते हैं देश की जनसंख्या बढ़ रही है? आप इस बात पे राजनीतिक मोर्चा खोल देंगे? राष्ट्रपति के पास विपक्षी पत्र लिखेंगे, वहां पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे? जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है सर, तो घुसपैठ भी तो जनसंख्या बढ़ने में मदद ही कर रही है। फिर वहां पर आप साथ क्यों नहीं आ जाते? क्या वो देश की एकता और अखंडता तोड़ने के लिए बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी चिंता नहीं है? नहीं, मैंने देखा है यहाँ पर बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बंगाल भेज दिया गया। अतिकुर रहमान साहब मैं आपको जोड़ रही हूँ सर, आपको नहीं लगता देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत बड़ी समस्या है? कोई वोट बैंक नहीं मिलेगा जो है ये जनसंख्या बढ़ाने में मदद कर रही है? पॉपुलेशन के लिए फैक्ट्स देखिए। आप फैक्ट्स बता दूं सर, के अंदर एक मिनट में 4 लाख बच्चे पैदा होते हैं। आप 40 लाख रोहिंग्या के पीछे पड़े हैं। अगर चोकसी मल्या और ललित मोदी से आप पैसा कुछ बचा पाए तब तो ये पॉपुलेशन को आप केटर कर पाएंगे? क्या बात है, बात क्या है? बात है? वो पैसा बचा के पेट लगा देंगे। वाह, एनआरसी का मतलब हम कमाते जाएं उनको खिलाते जाएं, हम कमाते जाएं और ये खाते जाएं, कमाल की बात है। क्या अपने वाह क्या इस्लाम कहता है, क्या क्या इनकी सोच कहती है बताइए। ये इनकी जानकारी इस्लाम के बारे में? अरे कश्मीरियत के चक्कर में पूरे दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। हर पार्ट में कश्मीरियत का रुख करें। नहीं, ये तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पैसा नहीं लगता इनमें। अरे भैया जान ले रहे, जान पैसे की बात छोड़ दीजिए। मुझे बताइए आखिरकार ये 4 लाख है, ये 4 करोड़ है, मुझे बताइए आखिरकार ये देश में कौन रहने चाहिए? कश्मीरियत बस्ती है। आंसर देखिए, बाबा रामदेव की अतिकुर रहमान जी, अतिकुर रहमान जी घुसपैठ जनसंख्या बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो वो देश की एकता अखंडता तोड़ने के लिए बड़ी समस्या हुई ना, उसमें साथ आने में प्रॉब्लम क्या है? मेरे को ये क्लियर कीजिए। मुझे नहीं जाना आपकी पॉलिटिक्स में भाई। ये घुसपैठ है ही नहीं, ये शरणार्थी है। अच्छा, कौन कौन शरणार्थी है? कौन कौन शरणार्थी है बताओ? ये 40,000 मुसलमान जम्मू कश्मीर में जो बसे हैं, क्या मुसलमान जिनकी संख्या करीब 7,000, क्या ये भी शरणार्थी है सारे? मुझे गारंटी के साथ बता दीजिए, ये उन्हीं के खून पसीने से रचाई हुई बिल्डिंग्स पर हम बैठे हुए हैं आज। क्या किसके खून पसीने से सर? किसका खून पसीना? ये रोहिंग्या के, ये बांग्लादेशियों के, ये जिनको आप घुसपैठ बोल रही है, ये इन्हीं शरणार्थियों ने बिल्डिंग बनाई है। अच्छा, अतिकुर रहमान, अतिकुर रहमान सर, आप इनके बिल्डिंग जाइए, आपको भाई चोर भाई है, तलाश कर लीजिए इनकी आर्किटेक्ट। ये साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये एडवोकेट है। शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, एक मिनट, ये एडवोकेट है, शुक्ला जी, सच्चाई को आप समझ लीजिए जरा। ये रामदेव बाबा ने जो आज कहा है जनसंख्या विस्फोट का मसला, देखिए जनसंख्या विस्फोट होगा तो बहुत चीजें बढ़ेंगी, अलगाववाद बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी जो देश के लिए समस्या बढ़ा रखा है। मुझे ये बताइए सर, पूरे देश में समस्या है,
भाई देखिए इस देश घुसपैठ क्या असम और बांग्लादेश बांग्लादेश से आए पश्चिम बंगाल में बसे घुसपैठियों की है पूरे देश में सर मैं एक एक बार से आंसर लेंगे समस्या हम जानते हैं सारा देश जानता है हम तो ये पूछ रहे हैं भाई समाधान क्या है समाधान लिखिए ना सरकार सरकार चार साल में सर देश ने एक मजबूत सरकार दी है कोई आपको रोक नहीं रहा है चुट्टी मुट्टी पार्टियां इधर उधर बोल रही है आप बताइए ना आपका रोड मैप क्या है आप देश को रोड मैप बताइए ना रोड मैप बताइए इस देश को रोड मैप की आवश्यकता ना कि समस्याएं हैं ये है वो एक बात तो इस देश को सारे पॉलिटिकल पार्टीज डराना बंद करें ये देश बहुत मजबूत है इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता इसकी सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत स्ट्रांग है आप देशवासी को पाकिस्तान से उससे डराना बंद कीजिए देश को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने दीजिए कोई डर नहीं है देश को बहुत मजबूत देश है 70 साल बाद ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ हम लोगों ने पुष्टि दी है या कोई जवाब नहीं चल सकता क्योंकि आपकी सेना इतनी मजबूत है ठीक है मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आप एक रोड मैप दीजिए कि अब आप एनआर और मैं कहता हूँ पूरे देश में लगाइए एनआरसी एक बेसिक पूरी दुनिया में है आप मॉस्को में लैंड कीजिए आप वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपका पासपोर्ट बाद में मांगते हैं भारत आप एक रोड में किसी का आ जाना और अतिथियों की तरह बस के घुसपैठ नहीं अब से रोड में क्या इस देश का वो लेडाउन कीजिए सरकार को बाध्य करेगी जनता कोई अतिथि नहीं है ये घुसपैठिए है बिल्कुल तो रोड मैप क्या है वापस भेजने का वो बोलिए ना अतिथि कहना अतिथि धर्म का अपमान है जी आप ये बताइए कि रोड मैप क्या इनको वापस भेजने का सरकार अवसर अवसर तो आप मुझे आज ही सुनना चाहेंगे कि जो नहीं हम सुनना चाहेंगे देश व्याकुल है देश में देखिए बाबा ने बोला जिसके कम से कम 7-8 करोड़ फॉलोवर हैं धन्यवाद भाई साहब उनको जवाब दीजिए कि क्या बात सही कहा क्यों डरा रहे हो हमारे पास जो कह रहे हैं वो भी बाबा जी साहब मोदी जी ने एक रोड मैप रखा था 2014 में 300 से ज्यादा एमपी मिले थे आपको रोड मैप दीजिए समस्या बता रहे हो साहब समस्या हम जानते हैं सारा देश जानता है आंसर सर जवाब आंसर मांग रहे हैं आज तक जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे पा रहे वो आपसे मांग रहे हैं एक सरकार से मांग रहे जो दिसंबर का सरकार है खून देंगे हमने दिया साहब सब करेंगे बेफिक्र रहो विश्व मदयाल साहब एक मिनट सर जवाब दीजिए शुक्ला साहब सब सुन रहे हैं आज हमें एक रोड मैप बता दीजिए इस देश को बताइए आप ये करेंगे मुझे सर मजबूर कर दीजिए या पार्टी से पूछ लीजिए सरकार से पूछ लीजिए 5 दिन बाद दे दीजिए बोलने का समय निश्चित भाई किसी को ठीक है शुक्ला जी सर आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते मैं नहीं नहीं सर सुनना चाहते हैं सर आंसर आंसर दीजिए मैं आपके सम्मान में अपने को नमन अर्पित करने के बाद भी मैं कैसे सम्मान सर एक मिनट दया साहब अवसर देंगे मुझे थोड़ा सा शुक्ला जी प्लीज आंसर ऑन इट सर सब सुनना चाहते हैं मैं सांस सर शांत है सब दया साहब आप सांस ले बहुत आपके प्रति सम्मान है मेरे मन में देखिए इस देश में 1955 में एनसीआर का रजिस्टर बनाने से लेके 2015 तक आपने एनसीआर का रजिस्टर नहीं बनाया आपकी स्थिति है कि आप रिजर्व बैंक की नोट छापते थे काउंटरफिट नोट्स लेके आधार कार्ड की स्थिति आपने स्वयं बताई क्या थी एक पूरी व्यवस्था को बर्बाद करके रखी व्यवस्था को सुधार की दिशा में आधार पर हम बायोमेट्रिक जब लेकर बैठ जाएंगे अपने नागरिकों का ये मेरा नागरिक है इसको ये अधिकार मिलना चाहिए बायोमेट्रिक के विरोध में वो खड़े हो जाएंगे शरणार्थी के समर्थन में वो खड़े हो जाएंगे रोहिंग्या आतंकवादी समर्थन के खिलाफ जनमानस जागृत हो जाएगा और उनकी कार्रवाइयों का निश्चित करना चाहिए निश्चित निश्चित हम तो सिर्फ समान इस प्रक्रिया को समाधान आपके साथ है इसलिए कोई ठोस निश्चित निश्चित इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं सर 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 वही सुन रहा हूँ सुन लीजिए सर 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 वही बात सुन लीजिए बांग्लादेश के साथ सीमाओं का निर्धारण क्यों किया ताकि अब यहाँ से कोई घुसकर आ ना सके एनसीआर क्यों किया हम पहचान ले और इनको डिपोर्ट जो हमारे नागरिकों को डिपोर्ट करता हम स्वीकारते हैं कोई हमारा नागरिक किसी देश में घुसपैठिया बन जाएगा और वहां से डिपोर्ट होगा हमको स्वीकारना होगा इसी तरह से हम जिसको पहचानेंगे और जिस देश का होगा उसको डिपोर्ट करेंगे उससे वार्ता करेंगे उसको पहले पहचाने तो सही रोहिंग्या को हमने पहचाना उनको पहचान पत्र इसलिए दिया कि वो फिर इस तरह से घुल मिलकर जो है कल भारत के नागरिक ना बन जाए और शरणार्थी कहकर उनके समर्थन में अतिकुर रहमान यहाँ नगाड़ा ना पीटे वो शरणार्थी नहीं है घुसपैठी है और जो इस देश का घुसपैठिया है उसको इस देश के बाहर जाना होगा ये हमारी नीति है उस नीति को लागू करने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें हम पूरी तरह से लगे हुए हैं उस रोड मैप पर आधे घंटे की बात की जा सकती है और दास जी आप उसे पूरी तरह से परिचित हैं कि हमने किस तरह से बॉर्डर को पहले की तुलना में सील किया लोगों को पहचानना शुरू किया ये स्थिति थी 2005 से लेकर 2014 की सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हमारे हमारे साहब सबसे पहला रोड मैप आपने बहुत सक्सेसफुली किया आपने आपने बॉर्डर को डीमार्केट कर दिया देखिए बहुत बहुत मुबारक हो एनआरसी शुरू कर दिया बिकॉज बांग्लादेश मैक्सिमम डिफॉल्टर है इन्फिल्ट्रेटर्स का
वहीं से आते हैं घुसपैठिए, आपने वहां पे बॉर्डर डिमार्क किया साहब, आपने तीन साल में कितना बॉर्डर फेंस किया देश को बताइए, कब तक फेंस करोगे, आपने कितने इलेक्ट्रॉनिक बीज लगाए, सर्विलेंस बीज लगाए, ब्रेक के बाद इसका जवाब, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या पर सवाल उठना बहुत जरूरी है, बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घुसपैठ भी चिंता है, वो अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ेगी, वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनेगी। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसको कैसे थामा जाएगा, जब तक घुसपैठियों का समर्थन बंद नहीं होगा, जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, सरकार जो कर रही है उसके साथ नहीं आएगा, दोनों एक मत पे नहीं आएंगे, वो प्रतिनिधि जो आपने चुने हैं इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनीत सर, मुझे बताइए सर, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट है या घुसपैठी? जी सिंपल सा सवाल और सिंपल सा जवाब चाहती हूँ, लास्ट कमेंट, क्योंकि बीजेपी के प्रेम शुक्ला यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार में सिंपल जवाब है, इसलिए मैं उनसे जिस देश में गाय की पूजा हो जाती है और हिंदुस्तानी नागरिक को कत्ल कर दिया जाता है, सर गाय की पूजा होगी क्योंकि वो आस्था है किसी की, हिंदुस्तानी नागरिकों को कत्ल कर दिया जाता है, उस देश को बकरे की पूजा करना, आप घुसपैठियों के साथ है कि देश के साथ? सुनील चोपड़ा है तो मानवता पहले, सुनील चोपड़ा जी आप घुसपैठियों के साथ है कि देश के साथ? पहले फिर और कोई बात, घुसपैठियों के साथ कि देश के साथ? मैं मानव के साथ हूँ, मैं बंदर की पूजा नहीं करता, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, ये आपकी राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौती है क्या, ये बता दीजिए मुझे सर, मैं मानती हूँ ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, मैं मानती हूँ ये मेरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, आप मुझे बताइए सर, इस बहस को देखने के बाद राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी अभी चुनौती हो गई क्या? एक राष्ट्र के खिलाफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन चाटने वाले जो है किस तरह की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, बकरियों के बलात्कारियों के चरण चाटने वालों ने इस देश में गाय पूजने वालों के नागरिक अधिकारों को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत जो है जी, सुनी जी मेरे लास्ट सवाल का जवाब अगर आप मेरे देश के साथ बोल जाते तो शायद मुझे अच्छा लगता और आपका ये बड़प्पन होता सर, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर देश के साथ बोलने में भी अगर आपको शर्म आ रही है तो आपको फिर सोचना चाहिए, बताना तो पड़ेगा। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया, सोशल मीडिया के लिए मेरा सवाल था क्या जनसंख्या बढ़ाकर देश के बंटवारे की साजिश हो रही है, 88% लोगों ने कहा है हाँ, 10% लोगों का कहना ऐसा नहीं है, 2% लोग ऐसे भी हैं जो बता नहीं सकते, कोई राय नहीं रख सकते, फिलहाल तो इतना ही।